हमारे बीच में मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट शराफत खान, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले सेमीफाइनल के बारे में हमसे बात करेंगे। वेलकम शराफत। धन्यवाद शराफत। क्या आपको लगता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की जो टॉप टीम रही है वो सेमीफाइनल में पहुंची? बिल्कुल समय, क्रिकेट प्रेमी इस बात से खुश होंगे कि वर्ल्ड कप 2015 में वे ही चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं जो डिजर्व करती थी। वास्तव में वो अच्छा प्रदर्शन करके अंतिम चार में जगह बना पाएंगे। आप टीम इंडिया की बात करें, एक भी मैच ग्रुप स्टेज में नहीं आ रहा, क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराया। न्यूजीलैंड के साथ भी यही मामला रहा, कोई मैच नहीं लगाया, क्वार्टर फाइनल में उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि ग्रुप स्टेज में मैच गंवाए, लेकिन आप उस पेपर पे इस टीम को देखो तो डिजर्व करती है सेमीफाइनल, नंबर टू भी रही ग्रुप में। बिल्कुल, और उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया, फिर विवाद रूप से लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के प्रमुख दावेदारों में से एक है। जो चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं वो बहुत मजबूत पहुंची हैं और आने वाले दिनों में हमें क्रिकेट की बेहतरीन दावत देखने को मिलेगी। अच्छा, जो मेरा जैसा आम क्रिकेट प्रेमी है वो पिच को लेकर बहुत डरा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है मैच इंडिया का, और पिच का जो चयन करने का जिम्मा रहता है वो मेजबान देश के ऊपर रहता है, तो हम जैसे लोग पिच को लेकर बहुत डरे हुए हैं। आप क्या कहते हैं? पिच की जो आपने बात कही वो पूरी तरह से मेजबान देश का निर्णय होता है कि कौन से ट्रैक पे खेलाएंगे। हम सिडनी में हुए पिछले मैचों की बात करें, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मैच यहीं पे खेला गया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 376 रनों का स्कोर बनाया, जवाब में श्रीलंका ने भी 300 से ज़्यादा रन बनाए थे। तो हम कह सकते थे कि हाँ, वहाँ पर स्पिन को जो परंपरागत रूप से कहते हैं कि सिडनी में स्पिन ट्रैक है, स्पिनों को मदद मिलती है, वो हमने देखा कि रनों से भरपूर भी है। लेकिन अगले ही मैच में जो वर्ल्ड कप का एक बहुत क्रूशल मैच था, पहला क्वार्टर फाइनल दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका, श्रीलंका पहले खेलते हुए स्पिन का शिकार हुए, 133 रन जो बनाए, तो हमने देखा कि इमरान ताहिर और जेपी ड्यूमेनी ने जो मिलकर 7 विकेट लिए, हम कह नहीं सकते थे कि दक्षिण अफ्रीका स्पिन गेंदबाजी में इस तरह से हावी हो जाएगी। अब सेमीफाइनल में फिर ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन, वो कैसा ट्रैक चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक भरपूर रनों से भरपूर ट्रैक मांगा था, भारतीय टीम के खिलाफ भी इसी तरह का देख सकते हैं। और वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे सिडनी में स्पिन ट्रैक पे खिलवा दें, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय टीम के पास स्पिनर अच्छे हैं। तो मुझे जो लगता है सिडनी में हम एक बार फिर रनों से भरपूर विकेट देखेंगे। चलिए अब हम इंडिया टीम की बात करते हैं। इंडिया टीम में जो मुझे सबसे कमजोर खिलाड़ी नजर आता है वो है रवींद्र जडेजा। अभी पिछले मैच में उन्होंने 10-20 रन बनाए हैं, तो आपको लगता नहीं कि अभी स्टुअर्ट बिन्नी को मौका देना चाहिए जडेजा की जगह? देखिए, ये एक आकलन हो सकता है कि रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन जब हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बड़ा मैच है, रवींद्र जडेजा वर्ल्ड कप में लगातार खेल ही रहे हैं, शुरू से टीम का हिस्सा है, आप जो कह रहे हो परफॉर्म नहीं किया वो बात भी सही है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को बदला नहीं जाता है। धोनी की भी हमने देखी ओवर द ईयर्स, हमने देखा आदत नहीं है विनिंग कॉम्बिनेशन बदलने की, और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन ना बदला जाए। और रवींद्र जडेजा से कभी भी उम्मीद है एक अच्छी पारी की, अच्छी गेंदबाजी की, तो मुझे नहीं लगता कि धोनी इतना बड़ा रिस्क लेंगे। बिन्नी तो अभी तक कोई मैच खेले ही नहीं है, युवा खिलाड़ी हैं, एकदम से इतने बड़े मैच का प्रेशर दे देना सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है सेमीफाइनल में भी रवींद्र जडेजा टीम में कायम रहेंगे। वर्तमान फॉर्म की बात करें तो इंडिया टीम का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया से बेटर है, और जब हम कागज पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम ज़्यादा बेटर है, तो वर्तमान फॉर्म कितना मायने रखता है किसी भी टीम के लिए? देखिए, ये आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे सराहने बल्लेबाज फॉर्म में हैं, विराट कोहली शतक लगा चुके हैं, अजिंक्य रहाणे अच्छा खेल रहे हैं, सुरेश रैना भी शतक लगाए हैं, महेंद्र सिंह धोनी बेहतरीन फिनिशर है, पर एग्जीक्यूट क्या करेंगे वो सिडनी में वो देखना पड़ेगा। फॉर्म के लिहाज से निश्चित तौर पर टीम इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन सामने जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो उनके खिलाड़ी कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो सिर्फ ये बात कि हम फॉर्म में हैं बात नहीं बनेगी, वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत लिया तो हम कैसे उनको रोकेंगे, उनके बल्लेबाजों पर कैसे अंकुश लगाएंगे, ये प्लान होना चाहिए। अगर हमने पहले बल्लेबाजी की तो हम क्या एक इस विकेट पर कितना टारगेट सेट कर सकते हैं, वो एक रणनीति होनी चाहिए। तो कप्तान धोनी के दिमाग में ये दोनों चीज़ें होंगी। फॉर्म की जहाँ तक बात है तो एक बार फिर प्रदर्शन तो करना होगा। अच्छा, अभी हमने जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, उसमें ऑस्ट्रेलिया भले से जीता लेकिन लड़खड़ा गई थी उनका बैटिंग ऑर्डर, तो इससे इंडिया टीम क्या सबक ले सकती है? देखिए, आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच को शुरू में देखें, 59 रनों पर 3 विकेट, मैच था पारवे ओवर, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने मैच बनाया और आप देखेंगे कि 33 ओवर में मैच खत्म कर दिया, तो शुरुआती झटके लगे लेकिन उससे उभरने में भी ऑस्ट्रेलिया माहिर है। तो हमें यही तो देखना है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हमने शुरुआती झटके दे भी दिए तो फिर उसको उभरने का मौका ना दिया जाए।
अब आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने बाद में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, बल्कि वहाब रियाज का हमने स्पेल देखा, फिर एहसान आदिल का हमने स्पेल देखा, तो लगातार बीट भी कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए खेलना बहुत आसान हो गया और उन्होंने मैच 17 ओवर पहले ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पे शुरुआती विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज को अंकुश में रखने की कोशिश की, हालांकि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे और उनकी फील्डिंग भी लचर थी। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है, गेंदबाजी मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या सीखा, वो ये कि सही लाइन पे अगर रखेंगे गेंद या शॉर्ट पिच गेंदों से अगर उन्हें रोक सके तो रोका जा सकता है। अच्छा, विश्व कप शुरू होने के पहले भारतीय गेंदबाजों को काफ़ी आलोचना की, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि उन्होंने हर बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया है, तो अचानक इस परिवर्तन की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कड़ा होमवर्क, धोनी ने अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास किया। कोई ये नहीं कह सकता था कि भुवनेश्वर कुमार जैसा एक गेंदबाज पूरे वर्ल्ड कप में बाहर रहेगा, एक मैच को जरूर खेले, लेकिन वो सब परिस्थिति ये थी कि मोहम्मद शमी इंजर्ड थे तो उनकी जगह किसी गेंदबाज को खिलाना पड़ा, तो तब खेले थे। धोनी ने अपने प्लेयर पहले चुन लिए थे, कड़ा होमवर्क किया, प्रैक्टिस की, रणनीति बनाई और मैच जीते। हम देख लें वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिस गेल को किस तरह से ट्रैप किया धोनी ने, शॉर्ट पिच लगातार गेंद की और फिर गेल ने अपना विकेट दिया। तो इस तरह से धोनी के दिमाग में पूरा मैच रहता है, वो पहले ही रणनीति बना लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं उनके खिलाड़ी। तो आप कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि भारतीय बॉलरों ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है और 7 बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया है, भारतीय गेंदबाजी उसकी नई ताकत बनके उभर रहे हैं। क्या भारतीय टीम माइकल क्लार्क की कमजोरी, तो बैटिंग में भी फेल हो रहे हैं, ऐसे कैप्टन भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और आलोचना का शिकार हो रहे हैं, इसका फायदा उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है, लेकिन क्लार्क, हमें याद रखना चाहिए कि क्लार्क एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो बड़े मैच में वापसी कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किसी भी टीम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अगर सलामी बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं तो मध्यक्रम के उनके जो धाकड़ बल्लेबाज हुआ जाते हैं, आप एरोन फिंच और डेविड वार्नर को आउट कर लेंगे तो शेन वॉटसन, स्टीवन स्मिथ, मैक्सवेल, खुद क्लार्क ही आ जाएंगे, तो एक के बाद एक आता जाता है। तो एक किसी बल्लेबाज को लेकर रणनीति नहीं बनाई जा सकती, पूरी टीम को ही आपको फ्लॉप करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। तो क्लार्क पे केंद्रित नीति काम नहीं करेगी, क्लार्क फॉर्म में है नहीं है ये हमारी चिंता नहीं है, हमारी चिंता है हम अच्छा प्रदर्शन करें। अच्छा, कम शब्दों में आप बताइए भारत की ताकत और भारत की कमजोरी। भारत की ताकत उसकी बल्लेबाजी, भारत की कमजोरी हो सकता है कि बदले हुए नियमों में हमारे गेंदबाज रन ना रोक पाए। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न है कि आप कितने प्रतिशत भारत की जीत को देते हैं? देखिए, मैं इस मैच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ टॉस, अगर हमने टॉस जीता तो हमारे चांस बढ़ जाएंगे। अभी मैं देखता हूँ 55% ऑस्ट्रेलिया, 45% इंडिया, लेकिन ये कोई ऐसा अंतर नहीं जिसे पाटा नहीं जा सके। जैसे मैंने कहा कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमारे परसेंटेज पे हमारे 55 हो जाएंगे, तो हमें उस हिसाब से मैच बनाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे सलामी बल्लेबाजों को बहुत अच्छी शुरुआत देनी होगी, फिर विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मैच है, परफॉर्म करके दिखाना होगा। महेंद्र सिंह धोनी से अब तक इस विश्व कप में कोई पारी नहीं आई, लेकिन उन्हें परफॉर्म करना होगा। सुरेश रैना को अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए एक अच्छी पारी यहाँ भी खेलनी होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को इस मैच में सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर है तो वो ये है कि अगर टॉस जीत कर। तो दोस्तों, जैसा शराफत ने बताया कि इस मैच में टॉस बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा भारी है, लेकिन ये अंतर पाटा जा सकता है। हम इंडिया टीम को शुभकामना देते हैं कि वो सेमीफाइनल जीते और फाइनल में पहुँचे। शराफत, आप इस शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।